आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अभी हाल में खबर आई, खबर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर थी, जिन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जितने भी करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स मिले, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स मिले, उसे बेचकर उनके पैसे को अपने पास रख लिया। जबकि नियम इससे ठीक उलट है। नियम यह कहता है कि पीएम, प्रेसिडेंट से लेकर किसी भी तरह के ब्यूरोक्रेट्स को अगर उनके कार्यकाल के दौरान कीमती उपहार मिलते हैं तो उन्हें ट्रेजर डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है। पाकिस्तान और भारत में इस खजाने को कहते हैं तोशखाना, और ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में है। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत में इसे लेकर नियम क्या है? क्या जो नियम है तोशखाना को लेकर ठीक उसी तरह है जैसे बाकी दुनिया में है, जैसे पाकिस्तान में है, या उससे नियम भारत के अलग हैं? आज अपन इसका रेशा रेशा खोलते हैं और थोड़ी तफसील से बात करते हैं। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूँ और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। अब सबसे पहले तो तोशखाना क्या होता है उसको समझते हैं। तो ये एक फारसी शब्द है जिसका मोटा अर्थ है खजाने का भंडार। लगभग सभी मुल्कों में इसी तरह का भंडार होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत आता है। शुरुआत के देशों के बीच इस तरह के तोहफे का लेन देन वर्जित था। माना जाता था कि इससे गिफ्ट लेने वाले को हर दम देने वाले से दब कर रहना होता है, खासकर अगर गिफ्ट काफी कीमती हो तब। वक्त बदला तो फिर मायने भी बदले और फिर सभी देश मानने लगे कि तोहफे के लेन देन से रिश्ते मजबूत होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या तोहफा दिया जाता है? तो जब ये नियम शुरू हुआ, जब इस तरह की चीज़ें शुरू हुई, तो एक देश दूसरे देश के नेताओं को ऐसे गिफ्ट देने लगे जो उनके यहाँ काफ़ी दुर्लभ हो। जैसे अगर किसी देश में केसर नहीं मिलता तो हमारे यहाँ से शुद्ध केसर उनके यहाँ जाता था। भारत की ही बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक हमारे यहाँ से हाथी और सोने की मूर्तियाँ डिप्लोमेटिक गिफ्ट की तरह विदेशी प्रधानों को दी जाती रहीं। आजकल भगवत गीता और कुरान से लेकर देश की सांस्कृतिक पहचान को बताने वाले तोहफे दिए जाते रहे हैं। वक्त के साथ ये लेन देन काफ़ी रंगारंग होता गया। लोग काफ़ी सोच समझ कर ये तय करने लगे कि किसे क्या देना ज़्यादा फायदेमंद होगा। व्हाइट हाउस में तो इसके लिए एक स्पेशल टीम बना दी गई जिसे ऑफिस ऑफ चीफ ऑफ प्रोटोकॉल कहा गया। यही लोग तय करते हैं कि अमेरिका किस देश के किस नेता को क्या देगा और लिए गए तोहफे की देखरेख भी यही करता है। अब अजीब तोहफे देने वाले भी ना ऐसे कम देश नहीं है, क्योंकि दुर्लभ या अलग देने के फेर में कई बार देश अजीबो गरीब चीजें भी दे देते हैं। जैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज एच बुश को 90 के दशक में इंडोनेशिया से जहरीली ड्रैगन का एक जोड़ा मिला था। माना जाता है ये ड्रैगन इतने जहरीले थे कि आनंद फानंद इंसानों की मौत हो सकती थी, लेकिन अमेरिका ने इस तोहफे को कर दिया मना। सबसे ज्यादा अजीब तोहफा अमेरिका को ही मिलते रहे। 80 के शुरुआती दशक में सद्दाम हुसैन ने इराक में अमेरिकी डिप्लोमेट डोनाल्ड रिस्फेल्ड को 3 मिनट का वीडियो गिफ्ट किया था। इसमें सीरियाई लोग सांप का सिर खाते दिख रहे थे। इसके पीछे जो भी एजेंडा रहा हो, लेकिन डिप्लोमेट ने तोहफे को लेने से मना नहीं किया। जानवर हमेशा से बेहतरीन गिफ्ट रहे, ये जितने दुर्लभ हों उतनी ही खुशी से दिए और फिर लिए जाते रहे हैं। भारत अक्सर लोगों को हाथी देता रहा, वहीं अफ्रीकी देश जंगली एग्जॉटिक एनिमल का तोहफा देते रहे। यूरोपियन देश के नेता किसी भारतीय या फिर दूसरे नेता का वेलकम करते हुए उन्हें अपने यहाँ किसी खास व्यंजन का रॉ मटेरियल या फिर महंगी शराब भी देते हैं, जैसे चीज से लेकर अलग अलग तरह के मसाले। धार्मिक और आध्यात्मिक किताबें भी डिप्लोमेटिक गिफ्ट का हिस्सा रही हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपने तोहफे को स्वीकार कर लिया तो उसके बाद क्या करना होता है? तो भारत के किसी भी नेता को विदेशी दौरे से लौटने के महीने भर के भीतर तोहफे को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सौंपना होता है। अगर गिफ्ट 5,000 से कम कीमत का है तो वो इसे अपने पास भी रख सकता है। अगर कीमत इससे ज्यादा है और पाने वाले उसे अपने पास रखना चाहें तो उसे सरकार से इसे असल मूल्य पर खरीदना होता है। ये नियम लगभग हर देश में है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी देश किसी व्यक्ति को गिफ्ट नहीं देता बल्कि उसके ओहदे को देता है, तो ये तोहफे असल में देश के होते हैं और यही वजह है कि उसे जमा कराने का नियम है। अब गिफ्ट डिक्लेरेशन भी जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि महंगे तोहफे लेने के बाद मंत्रियों ने उसे डिक्लेयर नहीं किया। कईयों ने भूल जाने का एक्सक्यूज दिया,
ऐसे में उन पर कार्रवाई हो सकती है। भारत में कार्रवाई का कोई मामला नहीं हुआ, लेकिन भूल जाने वाली बात कई पार्टी के कार्यकाल में दोहराई गई। अब भारत के खजाने में क्या क्या है? तो भारत के सरकारी खजाने में दुनिया भर के देशों से मिली अलग अलग तरह की चीजें हैं, जैसे इसमें सोने की घड़ियां हैं, हीरे की टाई पिन भी है, कीमती पत्थर हैं। जनवरी 2019 से लेकर अप्रैल 2022 तक तोशखाने को कुल 2036 आइटम मिले, जिनकी कीमत लगभग 7.25 करोड़ रुपए बताई गई। हर तोहफे के डिक्लेरेशन के बाद भारतीय बाजार में अलग से उसकी कीमत तय की जाती है, जिसके बाद पूरी डिटेलिंग करके आइटम को ट्रेजर हाउस का हिस्सा बना दिया जाता है। अब इस तोहफे का क्या होता है, ये भी एक सवाल है। तो गिफ्ट का क्या करना है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही तय करता है। अगर किसी देश से कोई जानवर जैसे पांडा या फिर चीता मिला तो उसे चिड़ियाघर भेज दिया जाता है। अगर कोई पेंटिंग या फिर मूर्ति हो तो उसे नेशनल म्यूजियम को दे दी जाती है। कोई सामान प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर डिस्प्ले में रख दिए जाते हैं, तो कोई ज्यादा कीमती सामान सहेज कर रख दिए जाते हैं। समय समय पर इनकी नीलामी भी होती रहती। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, हमें जरूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया। एक कस्बा जहां बिल्ली मेयर बन गई, अकबर की कब्र से हड्डियां निकालकर किसने जला दी, रूस ने अमेरिका को अपना अलास्का क्यों बेच दिया, ऐसी अनगिनत कहानियां और किस्से जो इतिहास की मोटी किताबों में दब गए, लेकर आ रहा हूं मैं नितिन ठाकुर आज तक रेडियो पर। सुनिएगा जरूर हमारा नया पॉडकास्ट इतिहास।